देख रहे हैं गुरु ज्योति न्यूज़। अब बात करेंगे हम उस धारा का हिस्सा है जहां पर महिलाओं की गौरव गाथाओं ने इतिहास भरा पड़ा है। उसी समाज में आज भी बाल विवाह, बालिकाओं की अधूरी शिक्षा, महिलाओं के साथ भेदभाव, हिंसा और दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। यह शब्द सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि रसाल कंवर लखन सिंह भाटी, प्रधान जैसलमेर ने अपनायत संस्थान और नेहरू युवा केंद्र जैसलमेर द्वारा रावमावी चांथन परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सम्मान समारोह में कहे। प्रधान जैसलमेर ने कहा कि आज के समय में महिलाओं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है, फिर भी महिलाओं को अक्सर सामाजिक आर्थिक स्तर पर अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। आज का दिवस हम सबको यह अवसर प्रदान करता है कि हम महिलाओं को समाज में बराबरी और हिंसा मुक्त वातावरण देने के लिए कटिबद्ध हो। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने कहा कि महिलाएं अपनी मेहनत के दम पर जमीन से अंतरिक्ष तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है, रूढ़ियों से लड़ते हुए खुद को साबित कर रही है कि ऐसे में सब एक साथ आकर देश की आधी आबादी महिलाओं को बराबर के अवसर प्रदान करें तो राष्ट्र की तकदीर और तस्वीर इससे भी ज़्यादा सुनहरी हो सकती है। चांतन सरपंच जय कंवर राजेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि महिलाओं के लिए समानता और हिंसा मुक्त समाज निर्माण के लिए सभी को गंभीर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आज का दिवस इसके लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। प्रधानाचार्य पवन कुमार ने पढ़ लिख कर समाज में कामयाबी की नई मिसाल बनने का आह्वान भी किया। गुरु ज्योति के लिए चांतन जैसलमेर से सुरेश सोनी की ब्यूरो रिपोर्ट। गुरु ज्योति की खबरों से अपडेट रहे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। का काम कर रही है जो किसी एक देश के लिए नहीं दुनिया के कई देशों में चिंता का विषय बनी हुई है। वैसे तो हर क्षेत्र में महिलाओं की अपनी काबिलियत, हुनर और मजबूत इरादों से हर उस चुनौती को चकनाचूर कर दिया है जो उनकी तरक्की में बाधा पहुंचाने का काम करती है, लेकिन अब भी कई चुनौतियां ऐसी हैं जिनसे आज भी जूझ रही है। जैसे शिक्षा, आजादी के इतने साल बाद भी देश में एक बड़ी संख्या में लड़कियां और बच्चियां अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाती है और गरीबी या पारिवारिक समस्या की वजह से छोटी उम्र में ही स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती है।